दोस्तों, अगर आपको किसी बैंक से जीरो इंटरेस्ट पर लोन मिल जाए तो आपको कितनी खुशी होगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक ऐसा बैंक ऐसा भी है जहां ना तो पैसे रखने पर इंटरेस्ट मिलता है और ना ही पैसे लेने पर। ये बैंकिंग सिस्टम शरिया कानून के जरिए चलता है, जी हां दोस्तों, जिसे इस्लामिक बैंक के नाम से जाना जाता है। तो आखिर क्या है ये इस्लामिक बैंक, बिना ब्याज लिए इनका कामकाज कैसे चलता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और भारत में इसका क्या हाल है? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत दिनों बाद अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज देने को तैयार हो गया है। जी हाँ, IMF बिल्कुल आखिरी समय में पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए हामी नहीं भरता तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से कोई नहीं बचा पाता। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि इससे पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली नहीं रुकने वाली है, बस कुछ समय के लिए थोड़ा सहारा जरूर मिल जाएगा। इसलिए पाकिस्तान अब अपनी हालत को सुधारने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करने की तरफ ध्यान दे रहा है और इसी सिलसिले में वह अपने बैंकिंग सिस्टम में सुधार करना चाहता है। पाकिस्तान का लक्ष्य है कि 2027 तक शरिया कानून के तहत अपने बैंकिंग सिस्टम से ब्याज के लेन देन को खत्म करना और बैंकों को पूरी तरह से इस्लामिक बैंकों में बदलना। तो क्या ही इस्लामिक बैंक, चलिए समझते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, ये बैंक शरीयत कानून के हिसाब से काम करने वाले बैंक होते हैं। इनमें और बाकी बैंकों में सबसे बड़ा अंतर होता है ब्याज का। जी हाँ, अब देखिए, जनरल बैंक्स अपने ग्राहकों का पैसा जमा करते हैं और उस पर ब्याज देते हैं। अगर कोई ग्राहक उनसे कोई कर्ज लेता है तो उसे सारे पैसे सूद समेत वापस लौटाने पड़ते हैं। लेकिन इस्लामिक बैंक ना तो पैसे जमा करने पर अपने ग्राहकों को ब्याज देते हैं और न ही कर्ज देने पर ब्याज लेते हैं। दरअसल इस्लाम में सूदखोरी को हराम माना गया है, यही वजह है दोस्तों कि इस्लामिक बैंक इससे किनारा करते हैं। ये बैंक अच्छे रिकॉर्ड वालों के अनुसार ही कर्ज देते हैं। कर्ज लेने वालों को सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही लौटाना पड़ता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, उस पर कोई ब्याज तो नहीं लगता है। इस्लामिक बैंकिंग में बैंक्स फंड्स के ट्रस्टी यानी पैसों की देखभाल करने वाले की भूमिका निभाता है। बैंक में कोई भी पैसा जमा कर सकता है, जब उसकी मर्जी हो तो निकाल भी सकता है। अगर बैंक को लाभ होता है तो वह मुनाफे का कुछ हिस्सा कस्टमर को गिफ्ट के रूप में दे भी देता है, लेकिन नुकसान होने पर बैंकों के साथ कस्टमर्स को भी घाटा उठाना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लामिक बैंक्स कुछ खास प्रिंसिपल्स पर चलते हैं, जैसे कि मुदरबहा, वादिया, मुशरका, मोरबहा और इजारा। अरबी के इन भारी शब्दों को आसान भाषा में समझें तो मुदरबहा का मतलब है कि नफा नुकसान को आपस में बांटना। जैसे कि अगर इस्लामिक बैंक को मुनाफा होता है तो वह उसे अपनी सभी ग्राहकों के बीच बांटेगा, वहीं नुकसान की सूरत में सबको मिलकर घाटा उठाना होगा। वादिया का मतलब है पैसों की हिफाजत करना, यानी जो पैसा जमा है उसकी सुरक्षा करना बैंक की जिम्मेवारी है। मुशरका का मतलब है कि एक दूसरे की मदद करके हलाल कारोबार करना, यानी साफ सुथरा बिजनेस करना। इसी तरह मोरबहा एक तरह का अग्रीमेंट है जिसमें खरीदने और बेचने वाले दोनों मार्केट प्राइस से ज्यादा पर बेचे जा रहे सामान की कीमत चुकाने पर सहमत हो। अब आखिर में आता है इजारा, यानी कि किसी एसेट्स को पट्टे या फिर लीज पर देना। यह इस्लामिक बैंकों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। दोस्तों, इस्लामिक बैंकों को हराम हलाल का ख्याल रखना पड़ता है। उन्हें किसी भी ऐसे कारोबार में पैसा नहीं लगाना होता जिसकी इस्लाम में मनाही है, जैसे कि नशे और अवैध हथियार का कारोबार या फिर वैश्यवृत्ति और पोर्नोग्राफी। इस्लाम फाइनेंस में हराम मानी जाने वाली कंपनियों के शेयर में भी पैसे लगाने की इजाजत नहीं है। इस्लामिक बैंकों में किसी भी मजहब के लोग अकाउंट खोल सकते हैं। ये बैंक धार्मिक संस्था नहीं बल्कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करते हैं। दोस्तों, मलेशिया में इस्लामिक बैंकों के करीब 40% कस्टमर गैर मुस्लिम है। वहाँ पर बाकी बैंकों के भी ऑप्शन हैं, फिर भी लोगों को भरोसा इस्लामिक बैंकों पर अधिक है। अभी सवाल उठना लाजमी है कि जो बैंक ब्याज लेता देता नहीं है, वह अपने कर्मचारियों को सैलरी कैसे देता होगा और उनके अन्य खर्चे कैसे और कहां से पूरे होते हैं। दरअसल इस्लामिक बैंक कमाई के लिए इस्तेमाल करते हैं पिछले दरवाजे का। अब दोस्तों, शरीयत में ब्याज कमाने की तो मनाही है, लेकिन मुनाफा कमाने की नहीं है। इस्लामिक बैंकों के पास जो रकम होती है उससे वो ज्यादातर असेट्स खरीदते हैं, जैसे मकान, दुकान या फिर खाली जमीन का टुकड़ा। इसी को इजारा यानी पट्टे पर देकर वे मुनाफा कमाते हैं और उनका कामकाज चलता है। एग्जाम्पल के लिए, नॉर्मल बैंक के पास कोई कस्टमर आता है घर या गाड़ी खरीदने के लिए या लोन लेने के लिए, तो बैंक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद पैसे दे देगा। आप घर या गाड़ी खरीद कर उसके मालिक बन जाएंगे और फिर ब्याज के साथ किस्तें चुकानी होंगी। लेकिन इस्लामिक बैंक के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उसके पास अगर कोई घर या गाड़ी के लिए लोन लेने जाता है तो बैंक उसे खुद ही वह चीज खरीद कर दे देता है। इस्लामिक बैंक घर या गाड़ी कीमत के बराबर किस्त बनाते हैं, लेकिन इसमें मालिकाना हक बैंक के पास ही होता है, तो वह ग्राहक से किराया वसूलता है। अब मान लीजिए कि 1 करोड़ का घर है
और आपने उसे 20 लाख डाउन पेमेंट करके खरीदा है, तो घर के 80% हिस्से का मालिक बैंक होगा और 20% के मालिक आप होंगे। आपको किराया भी 80% का ही देना पड़ेगा। आप जैसे जैसे कर्ज चुकाते जाएंगे, आपका मालिकाना हक बढ़ता और किराया घटता रहेगा। आखिर में घर पूरी तरह आपका हो जाएगा। दोनों बैंकों में बड़ा अंतर है दोस्तों, रिस्क ऑफ ऑनरशिप का। जैसे कि नॉर्मल बैंक से कर्ज लेकर सामान खरीदने पर आप उसके मालिक बन जाएंगे, उस सामान को अगर कोई नुकसान होता भी है तो उसका बोझ आपको अकेले उठाना होगा। बैंक आपसे ब्याज समेत पूरी रकम वसूलेगा, लेकिन इस्लामिक बैंक में मालिकाना हक दोनों का होता है, तो आपके साथ बैंक भी नुकसान का बोझ उठाता है। यही इस्लामिक बैंक की बुनियाद है। दोस्तों आपको बता दें कि आज के जमाने के इस्लामिक बैंक की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इजिप्ट के मिडगमर सेविंग्स बैंक को पहला इस्लामिक बैंक माना जाता है, जो 1963 में बना। मिडगमर ने बिजनेस के लिए प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के साथ कर्ज दिया। शुरुआत में ज्यादातर इस्लामिक बैंक मुस्लिम देशों में खुले, लेकिन 1980 के दशक में पश्चिमी यूरोप में भी खुलने लगे। ईरान और सूडान जैसी सरकारें भी इस बैंकिंग मॉडल को अपना चुकी हैं, और अब पाकिस्तान भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों दुनिया भर में फिलहाल लगभग 500 बैंक्स हैं और 2000 म्यूचुअल फंड इस्लामी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट बताती है कि इस्लामिक बैंकिंग सालाना 15% की दर से बढ़ रही है, और दुनिया के लगभग 75 देशों में ऐसे इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं। अब भारत में इस्लामिक बैंकिंग का क्या हाल है, चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों भारत में पहला इस्लामिक बैंक साल 2011 में केरल के कोच्चि में खुला था। इसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी 11% है। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की इस्लामिक बैंकिंग में काफी दिलचस्पी थी। सरकार भी इस दिशा में पहल कर रही थी, लेकिन फिर कानूनी जटिलताओं के चलते इस्लामिक बैंकिंग ठंडे बस्ते में चली गई। 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले से काम कर रहे बैंकों में एक विंडो मॉडल के आधार पर उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन 2017 में इसे खारिज करते हुए कहा कि भारत में बैंकिंग की सुविधा अब हर किसी के पास है। RBI ने तर्क दिया कि जनधन योजना के तहत लगभग ना के बराबर ब्याज लिया जाता है, लोगों को पैसा दिया जाता है। अगर इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था को लागू किया जाएगा तो इसके लिए कानून को बदलना भी होगा। इसके साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार ने साल 2016 में एक सवाल के जवाब में लोकसभा को बताया भी था कि सरकार इस्लामिक बैंकिंग को बढ़ावा देना चाहती थी, क्योंकि इससे गल्फ कंट्री से काफी निवेश आ सकता था। RBI ने इसके लिए एक इंटरनल कमेटी भी बनाई थी, लेकिन उसके सुझावों पर अमल नहीं किया गया, क्योंकि इसके लिए कानून में बड़े बदलाव करने पड़ते। हालांकि मुस्लिम समुदाय लगातार सरकार से इस्लामिक बैंकों को बढ़ावा देने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि यह उन मुस्लिमों को बैंकिंग सिस्टम में ले जाएगा जो अभी धार्मिक कारणों से इससे दूर है। साथ ही मुस्लिम नौजवानों को रोजगार से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। आखिर इस्लामिक बैंक के क्या नुकसान है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों इस बैंकिंग सिस्टम की बड़ी खामी यही है कि बिजनेसमैन को अपना शेयर कम करना पड़ता है। अगर बैंक किसी कंपनी को लोन देता है और उसके बदले हिस्सेदारी ली, तो कंपनी को अपनी हिस्सेदारी जबरदस्ती देनी पड़ती है। ऐसे में कोई भी कंपनी बैंक के पास जाने से बचेगी। अगर बैंक के पास हिस्सेदारी होगी तो कंपनी के फैसले लेने की कैपेसिटी पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस्लामिक बैंकिंग की बड़ी खामी यह है कि बिजनेसमैन को न सिर्फ अपनी कंपनी की हिस्सेदारी मुनाफा बैंक को देनी पड़ती है, बल्कि फैसले की आजादी भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खामी यही है कि इस्लामिक बैंक सबको लोन नहीं देते हैं, वह सिर्फ बिजनेस को लोन देता है, वो भी ऐसे बिजनेस को जो मुनाफा कर रहा हो। जो भी बिजनेस मुनाफा नहीं बनाता है तो ये बैंक उसे लोन नहीं देता है। इस्लामिक बैंकिंग की बात करें तो यह शराब तंबाकू जैसे बिजनेस के लिए भी लोन नहीं देता है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बैंक के बारे में, क्या भारत में भी इस तरह के बैंक खुलने चाहिए? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।